नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज हम हैं लखीमपुर खीरी जिले के एक छोटे से लेकिन प्राचीन कस्बे ओयल में, जो कि एक प्राचीन भव्य और सुंदर जो है प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हमने सोचा चलो आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं, लेकिन जब यहाँ आए तो पता लगा कि मंदिर अभी बंद है, वो आधा घंटे के बाद खुलेगा। तो हमने सोचा खाली बैठकर क्या करें, तो पास में ही हमने देखा कि एक सुंदर बहुत अच्छा और बड़ा तालाब है और उसमें सिंगाड़े ही सिंगाड़े पड़े हैं। तो मैंने सोचा आइए आपको सिंगाड़े दिखाते हैं, कैसे सिंगाड़े होते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो ये दोस्तों सोंधा का पेड़ है, सोंधा या आप कह लीजिए सेंधा, और ये गांव में जो ज्वार वगैरह होती है उसमें ये बहुत पाया जाता है। यहाँ पर मैंने देखा, सोचा आपको भी दिखा दें। ये जो फल है ये बचपन में मैं काफ़ी खाया करता था और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। ये देखिए ऐसा लगा है यहाँ पर, देखिए वाह कितना ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है, पीला और ये हरा, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये खाने में। आना कभी गाँव, खिलाएँगे आप लोगों को। देखिए ये वो नाव है जिसमें बैठकर जो है सिंगाड़े तोड़े जाते हैं, इसी में बैठकर अंदर लोग जाते हैं और सिंगाड़े को तोड़ लाते हैं। देखिए दूर दूर तक सिंगाड़े ही सिंगाड़े दिख रहे हैं, और वो वहाँ पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, देखिए वो शायद ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी ज़माने की बिल्डिंग होगी। और निगाह डालिए तो काफ़ी बड़ा तालाब है, और ऐसे होते हैं सिंगाड़े, आप सभी लोगों ने खाए भी होंगे और देखे भी होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इसमें फसल आना चालू नहीं हुई है, लगभग सितंबर के लास्ट में इसमें जो है फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा ब्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। अगले ब्लॉग में हम आपको ओयल का वो पुराना मंदिर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।